आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। लो भेजो। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए। पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। संघर्ष बहुत किया, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडिया शेयर करने को कहो ना। प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाए। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। तो तुम मदद करोगे? कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एमपी के लिए बीजेपी ने तय की 170 प्रत्याशी, कांग्रेस में 80 नाम तय। दिल्ली में प्रदूषण की मार, 15 साल पुराने वाहन हटेंगे। कंप्यूटर बाबा निष्कासित, दिगंबर अखाड़े ने किया फैसला। बुधनी में अवैध रेत उत्खनन, एक्शन के नाम पर खानापूर्ति। टीएस सिंहदेव ने नामांकन दाखिल किया, घटी सिंहदेव की संपत्ति। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए 170 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी 80 नामों पर अंतिम मोहर लगा दी है। प्रत्याशियों के नामों की यह सूचियां आजकल में जारी हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने 170 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। बची हुई 60 सीटों पर कुछ अलग अलग समीकरणों के चलते नाम तय नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को थामने के लिए भाजपा ने अब तक लगभग 60 चेहरे बदल दिए हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक हैं या पिछले चुनाव में हारे हुए लोग हैं।
पार्टी के दिग्गज नेताओं ने लगातार चौथे दिन प्रत्याशी चयन की कवायद जारी रखी। इन सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर बैठक चल रही है, जिसमें जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों के नाम पर विचार हो रहा है। पार्टी नेताओं ने जिन सीट पर टिकट फाइनल किए हैं, उनमें से एससी एसटी सीट ऐसी है जहां बहुत ज्यादा संख्या में नए चेहरे मैदान में उतारने की योजना पार्टी बना रही है। मात्र धार जिले का ही उदाहरण लें तो सरदारपुर से बेल सिंह भूरिया की जगह पूर्व विधायक मुकाम सिंह निगवाल को टिकट देने पर सहमति बनी हुई है। शाम को संसदीय बोर्ड की बैठक में अब तक चुने 170 नामों पर मोहर लग सकती है। इधर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। इनमें करीब 80 से 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में लगभग सभी 230 सीटों पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी के साथ प्रत्याशियों पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संकेत दिए कि आज पहली सूची जारी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की पहली सूची में 70 से 80 प्रत्याशी होंगे। इनमें मौजूदा करीब 46 विधायकों के अलावा 2013 विधानसभा चुनाव में 5000 से कम मतों के अंतर से हारे प्रत्याशियों में से अधिकांश को शामिल किया जाएगा। साथ ही कुछ पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों को भी पहली सूची में टिकट मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बदतर होता जा रहा है। गुरुवार सुबह लोधी रोड पर हवा में PM 2.5 का स्तर 214 पार था, वहीं पीएम 10 का स्तर 283 पर था। हर रोज और जहरीली हो रही दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कवायद जारी है। इस बीच आज फिर इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध जारी कर रखा है। सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर सोशल मीडिया अकाउंट बना दिए गए हैं और इस पर 18 शिकायतें भी आ चुकी हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं। साथ ही बोर्ड ने कोर्ट को यह भी बताया कि राजधानी में जो 10-15 साल पुराने वाहन हैं वो एनजीटी और प्रदूषण बोर्ड के आदेशों का अनुपालन करते हैं। इससे पहले हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने पुराने वाहन जब्त करने का आदेश दिया था। 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में दिल्ली एनसीआर में खतरनाक होते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त आदेश दिए थे। कोर्ट ने एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है। दिगंबर अखाड़े ने बैठक में कंप्यूटर बाबा को निष्कासित कर दिया है। माना जा रहा है कि अब उन्हें प्रयागराज में होने वाले कुंभ में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन पर निजी स्वार्थों के लिए काम करने का आरोप लगा है। उज्जैन से खबर है कि दिगंबर अखाड़े ने कंप्यूटर बाबा को निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही संतों की छवि खराब करने का आरोप भी कंप्यूटर बाबा पर लगा है। इसके पहले कंप्यूटर बाबा को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। कुछ समय बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया और सरकार के खिलाफ उतर गए। हाल ही में उन्होंने ग्वालियर में संतों के मन की बात नाम से एक कार्यक्रम आयोजन किया था। इसमें संतों के सामने उन्होंने सरकार के विरोध में उतरने का ऐलान किया था। समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा। चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना। तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बुकिंग्स मिल जाती है साहब। बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान।
मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आइडिया है मेरे पास, अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान, फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक प्रत्याशियों में शुमार अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव की संपत्ति पिछले 5 सालों में 51 करोड़ रुपए घट गई है। इसके बावजूद वे वर्तमान में 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। सिंहदेव की संपत्ति वर्ष 2008 से 2013 और 2013 से 2018 के बीच लगातार कम हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव ने 2013 के चुनाव के समय 551,46,98,685 रुपए की कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था और इस बार 2018 के चुनाव में नामांकन दाखिले के साथ दिए गए ब्यौरे में उन्होंने अपनी संपत्ति 500,04,07,613 ₹55 बताई है। शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार सिंहदेव हाथ में नकदी 2,80,000, आयकर रिटर्न के अनुसार वार्षिक आय 7,83,000 रुपए है, बैंक खातों में कुल जमा राशि 22,09,000 रुपए और कंपनियों में भागीदारी शेयरों में निवेश व प्रदत्त ऋण 8,30,00,000 रुपए बताया। वहीं कुल 1,03,00,000 रुपए के जेवरात उन्होंने विरासत में मिलना बताया। सिंहदेव के पास हथियार व साउंड सिस्टम 2,50,000 रुपए के हैं। सकल चल संपत्ति का मूल्य 9,98,00,000 रुपए होना बताया। सिंहदेव के पास वर्तमान में एक मर्सिडीज, एक ऑडी, एक होंडा सिविक सहित 5 गाड़ी रजिस्टर्ड है। उनके पास 491,42,92,706 रुपए की अचल संपत्ति भी है जिसमें जमीन मकान आदि शामिल है। इनमें विरासत में मिली अचल संपत्ति का बाजार मूल 491,42,00,000 रुपए व स्वर्जित अचल संपत्ति की कीमत 8,61,00,000 रुपए है। वहीं आपको बता दें कि सिंहदेव पर 62,81,000 का ऋण भी है। मैंने ये तो ब्यौरा नहीं दिया कि सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास है, पुरखों से जो विरासत में मुझे मिली है और आगे की पीढ़ी को देने की जवाबदारी भी उसके साथ में मिली है, वही जो चला आ रहा है घटते 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 कम होते होते जो बचा है वही है। वो संजोग ऐसा हुआ कि ऐसे परिवार में जन्म मिला जिसने जो रखा है उसको दिखाया है। और हम लोग वो संपत्ति का आकलन नहीं करते हैं, वो राजस्व विभाग करता है। तो ज़मीन की जो कीमत उनने बताई, जो उसमें इमारत बनी है उसकी जो कीमत दिखाई, वही उसमें दर्शाई हुई। अभी जो नामांकन पत्र में उन्होंने जो पैतृक संपत्ति है, जो उनकी स्वर्जित कुछ मकान है दिल्ली और भोपाल में, उनके गहने, बैंक में जो जमा रकम है और वाहन, इसको उन्होंने दर्शाया है। टोटल 500,41,00,000 रुपए के आसपास है। पिछले बार 551 करोड़ से ज़्यादा था, इस बार 500 करोड़ के आसपास है। 51 करोड़ रुपये की संपत्ति उनकी कम हुई है। 51 करोड़ की संपत्ति जो कम हुई है उसमें ने अंबिकापुर शहर के बहुत सी जो जमीन है उन्होंने विक्रय किया है। विक्रय करने कारण जो है रकम कम हो गया है। क्या है टीएस सिंहदेव की
रियासत और सियासत, इस पर बात करेंगे हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से। संजीव जी, टीएस सिंहदेव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और काफी संपत्ति उनकी कम हुई है। जी, आपको बता दूं कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में एक बेहद ही ईमानदार और काफी अच्छे नेता माने जाते हैं जी, क्योंकि वो राज परिवार से हैं, राजा हैं, और राज परिवार की जो संपत्ति काफी फैली हुई संपत्ति है और उनकी विरासत में मिली हुई संपत्ति है जी। और राजनीतिक तौर पर भी जब देखा गया है कि टीएस सिंहदेव जो है, जिनके जो निजी खर्चे होते हैं, गाड़ी के खर्चे, सफर के खर्चे, वो खुद ही उसका वहन करते हैं जी। तो ये जो संपत्ति कम हुई उनकी, दरअसल वो जो उनके निजी खर्चे होते हैं, जो कभी प्लेन से जाते हैं, कभी कार से घूमते हैं, जो इन सब में खर्च हुई होगी, क्योंकि उनका जो चरित्र रहा है, क्योंकि अविवाहित है और किसी तरह से अन्य तरीके से धनार्जन करने की उनकी कभी इच्छा रहती नहीं है, तो स्वाभाविक संपत्ति में कमी होगी उनकी। पचौरी जी, माना जाए कि उन धनार्जन में उतना उनका नहीं है, खर्चे उनके ज्यादा हैं। अब स्वाभाविक है, राजनीतिक तौर पर इंसान जब 5 साल में जाने कितने बार दिल्ली जाना होता है, पूरे प्रदेश दौरे करने पड़ते हैं और भी कई तरह खर्चे आते हैं, तो निश्चित तौर पे इतने खर्चे तो हो ही जाते हैं इंसान के, और खासतौर जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहे हो वो, और पूरे प्रदेश में इनके जो है आना जाना लगा हो और दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो ये स्वाभाविक खर्चे हैं ये जी। शुक्रिया संजीव। अवैध रेत खनन माफियाओं ने मध्य प्रदेश की कमर तोड़ दी है। इनमें माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारी भी खनन माफियाओं का साथ दे रहे हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले बुधनी का है, जहां माइनिंग विभाग की इंस्पेक्टर खुशबू वर्मा ने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने की खानापूर्ति की। बुधनी की माइनिंग विभाग की इंस्पेक्टर खुशबू वर्मा ने अवैध रेत परिवहन के वाहनों पर कार्रवाई की। इंस्पेक्टर साहिबा ने वाहनों को भी सड़क पर रोककर चेकिंग की, जिसमें 4 डंपरों पर रॉयल्टी नहीं पाए जाने पर दिखावटी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब प्रतिदिन नेशनल हाईवे NH-69 से रेत के अवैध परिवहन करते हुए वाहन इसी तरह बेखौफ गुजरते हैं, जिसका मुख्य कारण माइनिंग विभाग की रेत माफियाओं के साथ मिलीभगत होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि 23/10/2018 को जारी हुए जिला कलेक्टर के संपूर्ण जिले के लिए लागू निर्देशों का पालन अभी तक नहीं किया गया, जिसमें माइनिंग विभाग की पूर्ण रूप से सुस्त रवैया दिखाई दे रहा है। विभाग को भी खबर है कि प्रतिदिन रेत के सैकड़ों अवैध परिवहन करते हुए डंपर यहां से बेखौफ निकलते हैं। लाखों रुपए की कीमत की रेत को इस तरह इन रेत माफियाओं को ले जाने दिया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के खजाने को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। रात्रि करीब 9:30 बजे श्रीमती खुशबू वर्मा, ये खनिज अधिकारी खनिज विभाग में निरीक्षक है, अभी नई नियुक्ति पर आई हैं, उन्होंने बताया था कि माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार वो बुधनी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से खनिज रेत खासतौर पर परिवहन करने वाले एवं उत्खनन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निकली हैं, और उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर 4 वाहन, जिनके मैं नंबर भी आप अगर लिखना चाहें तो मैं आपको नोट करा दूँ, MP04HE5554, MP04HGA1141, MP04HE9411 और MP04HE2757, इनमें क्षमता से अधिक रेत खनिज भरा होना एवं इनके चालक मौके से फरार होना बताया था। उक्त वाहनों ने उन्होंने अपने पास उपलब्ध स्टाफ के सहयोग से थाना परिसर में एवं थाना परिसर के पास दशहरा मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को सौंपा है, जिनकी सुरक्षा की जा रही है। इन वाहनों के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई क्या की गई है, इसकी जानकारी अभी हमें उनके द्वारा नहीं दी गई है, और मेरे पास इस संबंध में केवल इतनी ही जानकारी है जो मैं आपको बता। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस और पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मुख्य चौराहे पर मनाई, जिसमें संत हिरदाराम नगर के स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए और इंदिरा गांधी के शहादत व सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि देश की 563 रियासतों को एकीकरण के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस और पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मुख्य चौराहे पर मनाई। यहां जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानक चंदनानी ने कहा कि यह बड़े ही दुख की बात है कि कुछ लोग इंदिरा गांधी जी की शहादत को भूल गए हैं, लेकिन यह एक खुशी की बात है कि वह लोग आज सरदार पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संत हिरदाराम नगर द्वारा देश के दो महान नेताओं का एक का जन्मदिन और एक का शहादत दिवस मनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिसने देश के 563 रियासतों को एक करके देश को अखंड भारत बनाया। और दूसरा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शहादत दिवस है, जिन्होंने इस देश को एक रखने के लिए खालिस्तान का निर्माण न हो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके अपने मौत पर दस्तखत किए थे। ये खुद उन्होंने खुद ही कहा था, उनका आज शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने 3 पाकिस्तान को पराजित कर विश्व को यह संदेश दिया कि कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर ना देख सके। इस अवसर पर जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि पूरे विश्व में उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। पटेल ने देश की 563 रियासतों का एकीकरण कर एक अखंड भारत की रचना की। प्रदेश पार्षद अशोक मारण एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंद्रानी ने कहा कि यह देश सदैव इंदिरा गांधी जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को याद रखेगा। इस अवसर पर समस्त कांग्रेसजनों ने दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए 2 का मौन रखा और दोनों महान नेताओं को याद किया। आज इंदिरा जी के शहादत के दिवस राम नगर में कांग्रेस के लोग और आम जनता के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। इस देश में एकता और अखंडता के नाम पर दूसरी बलि गांधी जी के बाद इंदिरा जी के साथ रहते हैं। इंदिरा जी ने अपने मृत्यु के 2 पहले बोला कि मेरे शरीर का एक एक कतरा भी इस देश के काम आए तो मैं अपने आप को बहुत महान समझूंगी। इंदिरा जी को आज पूरा देश में पूरा विश्व याद करता है, जो उनकी विदेश नीति थी और इस देश के साथ जो उन्होंने किया, पृथ्वी पर ये महाराजाओं का सब खत्म करके उनका पृथ्वी पर भी खत्म किया और समाजवाद का नारा इंदिरा जी ने दिया था और समाजवादी रास्ते पर ही देश आगे बढ़ा था। बहुत सी विषमताएं, बहुत सी बाधाएं उनके शासनकाल में आई हैं, लेकिन देश विकास करता रहा। आज हम जहां खड़े हैं इस देश को लेकर, वो इंदिरा जी की बुनियाद है और कांग्रेस की बुनियाद है। और ये बुनियाद, इतनी मजबूत बुनियाद रखी गई है कि देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, इसको पीछे मुड़ के देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा संत नगर मंडल एवं स्थानीय नागरिकों के साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही एकता दौड़ का शुभारंभ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगाना भूल गया। जब इसको लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश इसरानी से बात की गई तो उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उपलब्ध न होने पर ही शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। इस महीने दौड़ में तोड़ तो की गई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा या तस्वीर नजर नहीं आई, क्या इसको लेकर कुछ माल्यार्पण भी नहीं किया? हमने शहीद हेमू कालानी के उनको माल्यार्पण करके तस्वीर नहीं उपलब्ध हुई क्या? समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और ये गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब बेमतलब की नोटबंदी का असर आज भी मेरे व्यापार पर आता है, जब जीएसटी की कठिनाइयों में हर महीने मुझे उलझाया जाता है। अरे गुस्सा आता है जब भाजपा वालों की मदद से कुछ उद्योगपति करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं और हम जैसे छोटे व्यापारियों को कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब ये भाजपा वाले आयोजनों के नाम पर चंदा मांगने आ जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी हूँ और अब मुझे इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है। छतरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी के मामले में कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। रन फॉर यूनिटी में स्कूली बच्चे शामिल हुए। वहीं इस आयोजन में छतरपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह भी शामिल हुए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में शासकीय कर्मचारी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। वहीं कलेक्टर ने भी इस मामले की जांच की बात कही है। सरदार वल्लभ भाई की जयंती थी, हम लोग आए थे जोड़ने के लिए। गुड्डू सिंह जी और भी बहुत सारे लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी है, उनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव हो चुका है। देख रहे हैं आप, तीन तीन चार चार विधायक पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें अपने इस समय पे वल्लभ भाई पटेल जब याद आते हैं तो शासकीय कर्मचारियों को और स्कूली छात्रों का उपयोग करते हैं और शिक्षकों से और प्रिंसिपल से कहते हैं कि आप उन छात्रों को भेजें, और ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसकी हम खुले तौर पे इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पर शिकायत देखी है, आरोप को जांच करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सीनियर कांग्रेस लीडर टीएस सिंहदेव ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने मुहूर्त का खासा ध्यान रखा। सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों ने आज सुबह नामांकन सामूहिक रूप से भरा। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव, सीतापुर के लिए अमरजीत भगत और लुंड्रा के लिए डॉ प्रीतम राम ने नामांकन पत्र जमा कर दिया। गौरतलब है कि तीनों ने मुहूर्त देखकर शुभ समय पर अपना पर्चा दाखिल किया है। संयोग रहा, लोगों के पास संदेश गया। मैं अत्यंत आभारी हूँ सभी साथियों का कि इस संख्या में उपस्थित होकर उन लोगों ने हम सभी का मनोबल बढ़ाया, हम सबको ये बताया कि आप अपने जिम्मेदारी पे लगे रहो, हम अपने अपने जगह पे पार्टी के तरफ से हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाल रखी है और ऐसे ही में सफलता मिल सकती है। सभी कोई जब एक टीम के रूप में काम करेंगे, अपने अपने जगह अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे तो फिर जीतने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। टीएस सिंहदेव ने मुहूर्त देखकर 1:31 पर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। टीएस ने मुहूर्त के साथ ही खुद के हाथ से फॉर्म जमा नहीं किया, बल्कि भतीजी ऐश्वर्या सिंहदेव के हाथों नामांकन फॉर्म जमा कराया। इस दौरान सिंहदेव की भतीजी बहू त्रिशाला सिंहदेव भी मौजूद थी। इधर नामांकन के पहले तीनों प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ शहर के मुख्य मार्ग में रैली निकाली।
कैनरा बैंक के उप महाप्रबंधक राहुल भावे और सीबीआई के एएसपी संतोष कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार के सामने ना झुकें। ये अधिकारी कैनरा बैंक के सतर्कता जागरूकता सप्ताह को संबोधित कर रहे थे। कैनरा बैंक का सतर्कता जागरूकता सप्ताह विठन मार्केट स्थित कैनरा बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में मनाया गया। इस मौके पर कैनरा बैंक के उप महाप्रबंधक राहुल भावे और सीबीआई के एएसपी संतोष कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अभियान के तहत लोगों को भ्रष्टाचार के सामने न झुकने की सलाह दी गई। साथ ही बताया गया कि अगर कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दें। जहां कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया, वहीं कार्यक्रम का संचालन अशोक व्यास ने बाखूबी किया। ये हमारी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कैनरा बैंक की शाखाएं हैं कैनरा बैंक की, तो इस पूरे पखवाड़े में हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें हम एक तो शपथ लेते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार को के विरोध में, और दूसरा हम तरह तरह की प्रतियोगिताएं और सेंसिटाइज करने का भी प्रयास करते हैं। अपने स्टाफ ही नहीं बल्कि हमारे जो जितने कस्टमर भी आते हैं ब्रांच में, उनको भी सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बैंक के कार्य में कैसे पारदर्शिता ला रहे हैं और किस तरह से एक स्वच्छ रूप से कार्य हो रहा है, जिससे कि ये भ्रष्टाचार को किसी तरह का मौका ना मिले। सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर कैनरा बैंक के अधिकारियों में उत्साह देखने को मिला। अभियान में विशेष रूप से उपस्थित रहे सीबीआई के एएसपी संतोष कुमार ने लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि भ्रष्टाचार ना करें और ना करने दें। कैनरा बैंक हर साल की तरह इस बार भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह कैनरा बैंक के कर्मचारियों के साथ मना रहा है। कैनरा बैंक के उप महाप्रबंधक राहुल भावे ने कहा कि समाज को भ्रष्टाचार से सजग रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार या रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से ही की जा सकती है, लिप्त होने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। बुकिंग्स मिल जाती है साहब? बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं। कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था। कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज।